Dear students, आज के में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक मोस्ट फेमस टॉपिक जो की है नॉन फिंशन से दर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे जिसे लिखा है फिलिप लुपेट ने डिस्ट्रेंड आज की वीडियो में मैं इसके हर सेक्शन को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करूँगी शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो आर्ट ऑफ पर्सनल एसेज जिसे लिखा है फिलिप लुपेट ने और ये एक्सटेंसिव जो है डिवेलमेंट ऑफ द पर्सनलॉजी को डिवाइड किया गया है डिफरेंट सेक्शन के अंदर और हर सेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हिस्टोरिकल पीरियड और थीमेटिक ग्रुपिंग्स को यानी हर सेक्शन जो है वो अपना ही एक हिस्टोरिकल जो है प्रॉस्पेक्ट रखता है सो so, हर सेक्शन को हम जो है वो डिस्कस करते हैं so first you have what are the four runners इस सेक्शन के अंदर ये सबसे ऐसे का सबसे पहला पहला सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर जो है वो डिफरेंट राइटर्स की बात की गई जैसे कि सैनिका प्लूट्रेस हो गया शनगॉन हो गया ये इस तरह के राइटर्स के बारे में जो है वो बात की गई है सबसे पहले सैनिका को हम डिस्कस कर लेते हैं सैनिका जो था ये ग्रेट राइटर रोमन स्टोइक फिलसिफर था और इसने जो है एक फ़िलासफी दी थी फिलसफी ऑफ सोटिसिजम इसको इसने डिवेल्प किया था सैनिका ने और इसके अलावा इसने एक फेमस वर्क लिखा था डी डिब्रेविटेटिटी यानी ये कहता था कि लॉजिक जो है वही लाइफ को डिवेल्प कर रहा है डिवेल्प करता है लॉजिक जो है वो जरूरी है आ, किसकी नस्बत यानी प्लेजर या फेयर ऑफ कोई डर है लाइफ के अंदर या कोई प्लेजर है उससे ज़्यादा जो है वो लॉजिक पर लाइफ जो है वो बेस्ड होती है ये सैनिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू है सो इसके अलावा इसने जो है वो एक फिलासफी इसके अलावा ये फॉर्मल और फिलासफिकल ऐसे दोनों से डील कर रहा है ये वाला ऐसे और ये एक्सप्लोर करता है मोर और इथिकल इश्यूज पर बात की गई और इसके अलावा ये पर्सनल लाइफ के अंदर और थाट्स मतलब तो डिफरेंट दि जैसे ऑथर्स है उसके पर्सनल और जो उनके थाट्स थे वो एक्सप्लोर करता है ये ऐसे सैनिका ऐसे जो है फॉर एग्जाम्पल जो सैनिका के ऐसे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करता है फिलासफी uh, 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 वो क्या रिवील करता है रिवीलिंग इज पर्सनल स्ट्रगल विद द एंगर एंड द परस्यूट ऑफ फिरचू कि जो सैनिका का की फ़िलासफ़ी थी uh, जो सैनिका के ऐसे हैं वो क्या उसके अपने पर्सनल स्ट्रगल को दिखाया गया उनके अंदर यानी सैनिका के ऐसे के अंदर उनका अपना पर्सनल स्ट्रगल दिखाया गया अब वो स्ट्रगल किसके अगेंस्ट था स्ट्रगल विद द एंगर एंड द परस्यूट ऑफ जो है, वो दिखाए गए सो फर्स्ट सेक्शन के अंदर सैनिका प्लेटर्स और सही शोगान के बारे में जो है वो बात की गई और ये ऐसे फार्मल और फिलासफिकल दोनों हैं सो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें जो है मॉन्टेगन की बात की गई है ये मॉन्टेज कौन थे ये फ्रेंच फिलासफर थे और इनके जो वर्क्स हैं वो डील करते हैं बेसिकली पोलिटिकल और पर्सनल इसके ऐसे जो है पोलिटिकल और पर्सनल दोनों हैं इसके अलावा ये ग्रेट फिलासफ़र हैं फ्रेंच फिलोसफर इसके अलावा ये सेक्शन जो है ये फोकस कर रहा होता है किसके वर्क पर यानी जो सेकंड सेक्शन है ये किसके वर्क पे फोकस करता है माउंटेगन के वर्क के ऊपर जो है यह माउंटेज भी पढ़ सकते हैं इसके वर्क के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है इसके अलावा ये ऐसे जो है वो शो करता है ब्लैंड पर्सनल एनसीडोट विद फिलासफिकल इंक्वायरी के साथ जो है ये ब्लेंड करता है और माउंटेज स्टाइल जो है ये इंट्रोस्पेक्टिव और एक्सप्लोरेटरी होता है ये इसका जो स्टाइल है ये बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव या ये एक्सप्लो कर रहा होता है चीज़ों को इसके अलावा ये एग्जामिनेट करता है टॉपिक्स एज अ फ्रेंडशिप द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड हिज ओन एडियो आ, इस तरह के टॉपिक जो है वो डील करता है इसका ऐसे किसका मॉन्टेजन का यानी मॉन्टेजन की यहाँ पर बात की गई कि इसने जो फिलिप लोपेट है इसने फर्स्ट सेक्शन के अंदर सैनिका की बात की सेकंड सेक्शन के अंदर जो है वो मॉन्टेजन जैसे राइटर के बारे में जो है वो बात की गई कि मॉन्टेजेंस का जो स्टाइल था वो इंट्रस्पेक्टिव था और ये फ्रेंडशिप एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इस तरह के ऐसे ये डील करता होता था इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें किस चीज़ की बात की गई है द द राइज ऑफ इंग्लिश एसे इंग्लिश के बारे में बात की गई इस सेक्शन के अंदर जो इंग्लिश एसियस्ट थे 17 और सेंचुरीज के उसके बारे में बात की गई अब सेवनटीन और एटीन सेंचुरी के अंदर कैसे ऐसे जैसे कि थॉमस ब्रॉन हो गए रिचर्ड स्टिले हो गया जोसफ एडिजन हो गया इस तरह के फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एस एस थे और इनके जो ऐसे हैं ये किससे किसे करेक्टराइजे फॉर्मल स्टाइल से करेक्टराइज हैं और इनके जो ऐसे ये सोशल कमेंट्री के ऊपर फोकस करते होते हैं एडिशन और स्टिलिस के वर्क इन द स्पेक्टेटर एक स्टैंडर्ड था पर्सनल या स्टैंडर्ड प्रियोडिकल एस का के लिए एक स्टैंडर्ड था और ब्लेंडिंग पर्सनल रिफ्लेक्शन विद अ ब्रॉडर कल्चरल एनालिसिस यानी ये पर्सनल रिफ्लेक्शन थी यानी एडिशन और स्टिल का जो एक कोलाबरेटिव वर्क है द स्पेक्टेटर ये बेसिकली पर्सनल रिफ्लेक्शन थी किन की इन दोनों की इन दोनों राइटर्स एस एस्ट की सो इसके बाद जो फिलिप लुपेट है वो किसके साथ डील कर रही है मॉन्टिजन और सैनिका के बाद वो सेक्शन सेवनटीन और एटीन सेंचुरी के जो एस स्टेस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं इसके बाद अदर कल्चर अदर कॉन्टिनेंट्स लोपेड जो है इंक्लूड्स ऐसे फ्रॉम वैरायटी ऑफ कल्चर ट्रेडिशन जैसे कि इसलिए जापानी चाइनीज राइटर uh, uh, जो हैं जापानीज और चाइनीज के जो राइटर्स हैं उनके कल्चर के बारे में बात की है उन से डील किया है इन जापानीज और चाइनीज इन जहाँ पर इसने ब्रिटिश राइटर की बात की है अमेरिकन राइटर की बात की साथ साथ में उन्होंने जापानीज और चाइनीज़ राइटर की भी बात की जैसे कि कैनिको ल्यूजन हो गया ये ऐसे ऑफर इनसाइड इन तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ देयर ऑथर्स वाई आल्सो रिफ्लेक्ट ब्रॉड कल्चर एंड हिस्टोरिकल कंटेक्ट को भी ये डील करता है यानी ये सिर्फ पर्सनल ऑथर्स की पर्सनल लाइफ के साथ ही डील नहीं कर रहा बल्कि ये हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्ट के साथ भी ये ऐसे डील करता है इसके अलावा ये सेक्शन जो था ये बेसिकली हाईलाइट करता है

और जो कि एक मॉडर्न एस एस था इसके अलावा एंड कंट्री के थ्रो टू द मॉडर्न यानी बेंजामिन से लेकर जो मॉडर्न एस एस तक उनके साथ डील किया इसके अलावा एक डवर्स एरे ऑफ वाइसिस की बात की जैसे रॉल्फ वेल्ड और एमरसन हो गया हैंनरी डेविड हो गया जोरा हो गया इस तरह जिन्होंने अपने ऐसे के अंदर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया आइडेंटिटी नेचर को एक्सप्लोर किया अमेरिकन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया सो so, ये सेक्शन जो है वो किस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करता है वर्सटेटी ऑफ पर्सनल ऐसे इन कैप्चरिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ अमेरिकन लाइफ यानी इसके ऐसे का फिलिप लुपेट के ऐसे के इस सेक्शन के अंदर अमेरिकन लाइफ के साथ जो है उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ थी उसके साथ डील किया गया लास्ट सेक्शन जो है द पर्सनल ऐसे इन द ट्वेंटिय अब सेंचुरी ऐसे इसकी की बात की गई है ये फैनल सेक्शन है एंथोलॉजी का और ट्वेंटिय सेंचुरी फीचरिंग राइटर्स जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ये एक डोमिनेंट नेम है ट्वेंटिय सेंचुरी के जेम्स ड uh, हो गया जॉन डीडियन हो गया जैसे वर्जिन वुल्फ जो अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियनस के लिए जान जाती हैं इसके मोस्ट फेमस वर्क हैं सो इसके जो एसेज हैं ये बहुत एक्सपेरिमेंटल इस टाइम पर एक्सपेरिमेंटल वर्क बड़े लिखे जाते थे एक्सपेरिमेंटल इन स्टाइल सब्जेक्ट मैटर इस तरह चीज़ों से ये डील करता है इनके एसेज सो so, ये कल्च uh, सोशल और कल्चरल क्रिटिक uh, को भी के साथ भी ब्लैंड करता है इसके अलावा राइटर इस सेक्शन के उनने पर्सनल एसेज को यूज़ किया डिफरेंट uh, इशूज़ के साथ डील करने के लिए जैसे कि इशूज़ ऑफ रेस जेंडर आइडेंटिटी ज इस तरह के इश्यूज के साथ डील करने के लिए इन्होंने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल ऐसे का यूज़ किया है बेलडिवन ऐसे फॉर एग्जांपल ये डीपली पर्सनल होते थे और इसके अलावा ये पावरफुल क्रिटिक ऑफ रेसिसज इन अमेरिका के अमेरिका के अंदर जो रेसिसिजम का सिस्टम हो रहा है उसके ऊपर भी इसने डिबेट की सो इस सेक्शन के अंदर किसे ट्वेंटियथ uh, सेंचुरी के जो डोमिनेंट राइटर्स थे उनके बारे में बात की गई जैसे वर्जीनिया वुल्फ जेम्स बेल्डिवन और जॉन डीडन इसके बाद इसके सारे सेक्शन हो गए अब हम इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं ये ऐसे जो है फिलिप लुपेट का ये ऑन द स्टेट ऑफ द पर्सनल ऐसे टुडे एंड ये कंटिन्यूड रेलिवेंस इसके अलावा ये डिस्कस करता है कि कैसे पर्सनल ऐसे इवॉल्व होता है फ्लेक्सीबल और डायनेमिक्स फॉर्म के अंदर जो कि पर्टिकुलर और यूनिवर्सल दोनों को एड्रेस कर रहा होता है इसके अलावा ये रीडर को एक यूनिक विंडो दे यूनिक जो है वो विंडो देता है इनके इनर लाइव ऑफ राइटर्स के बारे में यानी यहाँ पर जितना भी ऐसे था उस सबके जो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को राइटर्स के को डिस्कस किया गया इस ऐसे के अंदर मीन्स के एक विंडो जो है वो दी गई इनर लाइज ऑफ द राइटर के बारे में इसके अलावा जो आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे है ये कोई जस्ट ऐसे कलेक्शन ऑफ ऐसे नहीं है बल्कि ये हिस्टोरिकल और थीमेटिक एक्सप्लोरेशन भी है एंड्रा का यानी हर एंड्रा को इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया इसके अलावा डिवेलपमेंट और पार को भी इसके अंदर जो है वो एक्सप्लोर किया गया एज फॉर्म ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन हर चैप्टर इस बुक के अंदर जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट पीरियड्स को डिफरेंट कल्चर को इसके अलावा इस ऐसे के अंदर ये स्टेट किया गया कि कैसे पर्सनल ऐसे जो है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सेल्फ़ और वर्ड अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द वर्ड है उसको और जो सेल्फ है उसको कैसे एक्सप्लोर करता है सो so ये ऐसे जो है वो ऑल अबाउट पर्सनल जो है वो राइटर्स के बारे में बात की गई सो एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट द पर्सनल ऐसी ऑफ द राइटर आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग मई वीडियो अल्लाज